बहुत इंटरेस्टिंग खेला था लास्ट क्लास में, याद है सबको? हमने लास्ट में पानी वाला एग्जांपल लिया था नजारेदार, याद है? जिसमें पानी में मैंने तुम्हारे साथ क्या खेला खेल दिया था, मैंने लिक्विड दे दिया था और सबने फॉर्मूला लगा दिया था। अब ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करोगे, समझ रहे हो? बोलो। एक और सीन है, कई बार एग्जामिनर तुम्हें लिक्विड नहीं लिख के देगा, ध्यान सुनना, कई बार एग्जामिनर तुम्हें लिक्विड नहीं लिख के देगा, वो बोल देगा H2 है। अरे बता, ध्यान सुनो यार, सुनो यार, सुनो। वो क्या बोलेगा, H2O है और वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। H2O है जो मेरा 27 डिग्री सेल्सियस पर है, तो मुझे बताओ 27 डिग्री सेल्सियस अगर वो दे रहा है तुम्हें, तो ये अंडरस्टूड सी बात है वो किस स्टेट में होगा। पानी 27 डिग्री सेल्सियस में किसमें होता है भाई, किसमें होता है, बोलो भाई जल्दी। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाई, बहुत बढ़िया, हाई रहना चाहिए बेटा, ठीक है? तो लिक्विड में होता है, तो कई बार वो टेम्परेचर के थ्रू तुम्हें बताएगा कि H2O लिक्विड है या गैस है, समझ रहे हो? बोलो, समझे? ओके, आगे बढ़ा जाए, हेडिंग डालो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक और आ गया, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना यार बच्चों, अरे बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास है Cl-, उसका मतलब क्या, उस पर कितना चार्ज है? Cl- कितना चार्ज है उस पर? -1। सबको दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बोलू Na+, उस पे कितना चार्ज है? +1। अगर मैं तुम्हें बोलू O2-, कितना चार्ज है? -2, ठीक है? Al3+ कितना चार्ज है? 3+। PO4-3- कितना चार्ज है? 3-, बहुत बढ़िया। चाहे -3 लिख रहा है, 3-, एक ही बात है, ठीक है? अब ध्यान से समझो, इस -1 का मतलब क्या है, इसका वजूद क्या है, जल्दी बताओ। इस -1 का वजूद ये है कि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ, बोलो आया ना, इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बोलो आया ना, मतलब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन गटर गया, बाहर से इलेक्ट्रॉन गटर गया। अगर ये बाहर से इलेक्ट्रॉन गटर गया है, इसका मतलब इसमें -1 चार्ज आ गया। हाँ, मुझे बताओ -1 का कोई सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसका मतलब क्या है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज है। ये जो हम बोल रहे हैं ना -1, एक्चुअली में ये जो सब कुछ मैं बोल रहा हूं, ये एक्चुअल चार्ज थोड़ी है बेटा, ये तो मेरा एक रिलेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है ये? रिलेटिव। खुद सोचो, मेरा जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से आता है, बोलो आया ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से। अब मुझे बताओ, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आया होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, बोलो आया ना, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, बोलो बोलो, यही होगा। तो मुझे बताओ, एक्चुअली में अगर मैं बोलूं तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आया होगा, एक्चुअली में जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, कितना होता है? -1.6 × 10⁻¹⁹, -19 कूलम, बोलो, समझ गए? एनए पर कितना चार्ज है? एनए पर, एनए पर प्लस में 1.6 × 10⁻¹⁹, -19 कूलम, बोलो, समझ रहे हो? मतलब एक्चुअली में जो हम ये बोलते हैं ना -1 + 1, वो रिलेटिव चार्ज होता है, मतलब रिलेटिव देख रहे हैं हम। रिलेटिव के अंदर हम कॉमन पार्ट को निकाल देते हैं, बस एक होल नंबर रख लेते हैं, समझ रहे हो? लेकिन एक्चुअली में इस पे जो चार्ज आया है वो क्या आया है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आया है। बोलो, इतनी बात समझ गए सब बच्चे, सब बच्चे पार्टी, इतनी बात समझ गए, बोलो आया, बोलो। तो मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर बेटा कितना चार्ज होगा, बोलो भाई? इस पर होगा -2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, बोलो, समझ गए? क्लियर है?
एक्चुअली में वो चार्ज क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, समझ गए, क्योंकि प्लस चार्ज भी दो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, बस वो जाने की वजह से आया, वो आने की वजह से आया, बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग खेला देखते हैं, इंटरेस्टिंग खेला क्या है, अगर मैं बोलूं चार जोन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार जोन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹, बोलो, माइनस नहीं ले रहा मैं, साइन की बात नहीं कर रहा, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मुझे बताओ चार जोन एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार जोन एन इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होगा, बोलो, ठीक है, एन इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹, बोलो बोलो, आया ना बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ एन इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोल सकता हूं, वन मोल इलेक्ट्रॉन बोल दूं, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, एन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, वन मोल, बोलो, इतना क्लियर है सबको, बता रखा है मैंने, एन का मतलब होता है एक मोल पार्टिकल्स, ठीक है, तो एक मोल हो गया। अब एन की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो क्या बनेगा, 6.02 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹, अब देखो, अरे इंटरेस्टिंग खेला तो अब आएगा, इंटरेस्टिंग खेला तो ये है, जिस बंदे ने इसका ये वैल्यू निकाली थी, इसको मैं ये बोल सकता हूं, ये मेरी वैल्यू क्या है, ये मेरी वैल्यू क्या है, मैं ये बोल सकता हूं चार जोन वन मोल इलेक्ट्रॉन है, बोलो, मैं ये बोल सकता हूं ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो है, ये बोल, एक मोल पर, और इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, वन फैराडे, ये एक फैराडे साइंटिस्ट है, नाम सुना ही होगा, उन्होंने ये कैलकुलेट की थी वैल्यू, उन्होंने एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की, तो जो वैल्यू आई ना उसका नाम हमने रख दिया वन फैराडे, समझ रहे हो, तो मेरा वन फैराडे को मैं वन एफ लिख देता हूं, वो किसके इक्वल होता है, 9650 कूलम। तो अगर कभी कोई पूछ ले वन फैराडे क्या है, तो वन फैराडे है चार्ज ऑन, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वन फैराडे। हाँ बेटा ये लगभग इतनी है, दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, दो पर कितना होगा, 2 × 10, थ्री पर कितना होगा, 3 × 6, तो एन ए पर कितना होगा, एन ए इंटू दिस, इतनी बात क्लियर है, हाँ बेटा, यस यस। अब मुझे बताओ एन ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आई, इस वैल्यू का हमने नाम रख दिया वन फैराडे, ठीक है, इज्जत देने के लिए बस साइंटिस्ट को, कि भाई तूने इसको वैल्यू निकाली, तो आज से मेरे वन मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको वन फैराडे बोल सकते हैं। अगर मुझे कभी बोलना है 9650 कूलम, तो मैं उसकी जगह वन फैराडे बोल दूंगा, समझ रहे हो, मतलब वन फैराडे तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, बोलो, मतलब वन फैराडे तो एक बड़ी यूनिट हो गई ना, बोलो, आया ना, वन फैराडे में 9650 कूलम चार्ज है, समझ रहे हो, मतलब वन फैराडे बोल रहा हूं और इतना सारा चार्ज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, समझ रहे हो, बोलो, जैसे मैं $1 बोलता हूं तो हम उसमें जितने भी पैसे होते हैं 70, 80, 75 जो भी चल रहा है इस टाइम पर, ठीक है, तो मान लो 75 है, तो $1 हमें लगता है बस $1, लेकिन उसमें 75 रुपीज, तो वैसे ही यहाँ पर वन फैराडे, लेकिन उसमें 9650 कूलम चार्ज, बोलो क्लियर है सबको फंडा, सबको ही फंडा क्लियर है, सबको ही फंडा क्लियर है बेटा, ठीक है, नोट कर दो बेटा, इसके आगे बढ़ता हूं, फिर नोट करो, कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसी खुशी में मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें, तुम्हारा लेवल देख लिया है, तुम सारे बच्चों का लेवल बहुत बढ़िया है, तुम बच्चों को हल्का सा हिंट देने भी तुम कर जाते हो, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं तुम सब कर लोगे, ठीक है, टाइम भी दूंगा, 2 मिनट ले लेना, आराम से क्वेश्चन कर देना, ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
कैलकुलेट चार्ज ऑन 9.5 ग्राम फॉस्फेट, इसको फॉस्फेट बोलते हैं। ओके संचित बेटा, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान अभी डॉलर पे मत दो, ठीक है? बहुत डॉलर कमाओगे जिंदगी में अगर पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर जाओगे, ठीक है? डॉलर बहुत कमा जाओगे। 9.5 है बेटा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। कंसेप्ट देखता हूँ कौन बच्चे अभी तक सीख गए अप्लाई करना। मैंने कराया नहीं है, कराऊंगा अभी, लेकिन कर सकते हो, मुझे उम्मीद है, तुम पे भरोसा है मुझे। इसका आंसर तुम दे सकते हो सारे बच्चे, जल्दी बताओ इसका आंसर। लक्ष्य बेटा गलत है, तुम्हें मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, दो देख रहे हो, एक दो, एक दो, एक दो। पहला तरीका लंबा, दूसरा तरीका कैसा होगा बताओ भाई, तुम बताओ। बहुत बढ़िया लक्ष्य का सही है। दूसरा बताओ, दूसरा तरीका हम कैसा करने वाले हैं, दूसरा तरीका कैसा होगा बोलो, दूसरा तरीका अपना, दूसरा तरीका हम क्या करते हैं बताओ, मेंटोस जिंदगी वाला। तो एक हम आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी, दोनों करेंगे अभी। बहुत बढ़िया बच्चे आंसर दे रहे हैं, एक पहले आम जिंदगी फिर मेंटोस जिंदगी, बढ़ेंगे अभी हम आगे, पहले तुम आंसर दो। बहुत बढ़िया बच्चों आंसर दे रहे हो। मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे देखना पड़ेगा कितने हैं लोग ऐसे, वही बात आ गई। अगर मुझे टोटल हाथ ढूंढने थे कितने मेरे हाथ है, तो मुझे पहले बंदे ढूंढने पड़े थे बोलो, तो यहाँ पर भी पहले मुझे बंदे निकालने पड़े हैं कितने हैं बोलो, समझ रहे हो? दो तीन तरीके बताऊंगा, एंड में सबसे शॉर्टकट वाला बताऊंगा, ठीक है? अब मुझे बताओ 9.5 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब तो इतना बात समझ गए ना, मोल राजा की जय, मोल बाबा की जय। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 95 कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 0.5, 0.1 मोल, ठीक है? अब मैंने अगर इसको एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0.1 एन ए मोलिक्यूल्स बोल सकता हूं। बोलो बेटा, नेट चार्ज बताना होता बेटा। देखो जो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से कुछ चार्ज तो प्रोटॉन बैलेंस भी तो कर रहे हैं, वो जो 47 इलेक्ट्रॉन है वो तो बैलेंस करके न्यूट्रल कर देते हैं उसको, नेट चार्ज बस इनकी वजह से, समझ रहे हो बेटा? मैंने बस चार्ज बोला है, ठीक है? जो 50 इलेक्ट्रॉन है उसमें 47 तो प्रोटोन उनको न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। अब देखो मुझे बताओ, इतने मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, वो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, मुझे बताओ, मुझे बताओ यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, बेटा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो तो रिलेटिव आ जाएगा। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रिलेटिव आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा अब बोलो, 3 × समझ रहे हो बेटा? क्योंकि मुझे पता है एक के पास इतना चार्ज है, एक के पास इतना चार्ज है, अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है? तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितना होगा, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, 0.1 Na into 3 into 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो शॉर्टकट बताता हूं मल्टीप्लाई करने का। मुझे बताओ 0.1 को मैंने अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, अब मुझे बताओ Na और 1.6 इंटू 10 रेस्ट ऑफ माइनस 19 को मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या मिलता है, अभी मैंने पीछे बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है मुझे, अभी देखो ये रहा, ये लिखा हुआ, ये मेरा किसके इक्वल है, या तो मैं बोल दूंगा 96500 कूलम, या मैं इसको 1 फैराडे बोल दूं, ठीक है? जिसमें भी उसने पूछा हुआ है, ठीक है? अगर उसने कूलम में बोला है
ठीक है, कूलम में बोला है तो मैं इसको कूलम में भी आंसर बता देता हूँ और फेराडे में भी। कूलम में पूछा है तो मैं 0.1 × 3 × 96500 कर दूंगा, अगर फेराडे में बोला है तो 0.1 × 3 इसको मैं 1 फेराडे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ मेरा इंटू 1 फेराडे, तो मेरा फेराडे में आंसर कितना हो जाएगा 0.3 फेराडे, और इससे मेरा कितना आंसर आ जाएगा वो सब कैलकुलेट कर लेना। बोलो सब समझ गए, बोलो सबको फंडा क्लियर है, आसान है, बिल्कुल सेम तरीका है, यहां तक बिल्कुल सेम है। अब यहां पर मैंने पहले शॉर्ट एक पे निकालना सिखा दिया, अब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, आगे तो बस मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ सिखाया नहीं है, तुम चाहो तो यहीं से मल्टीप्लाई पागलों की तरह कर लो, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा दिया कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे पता इतना होता है, ठीक है, चाहे तुम इसके बाद अपना दिमाग लगाई कर लो, मैथ्स लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि मैं इनको पहले इकट्ठा करके ये वैल्यू निकाल ली, उसके बाद मैंने ये कर लिया, ठीक है, उसके आगे मेरा कुछ रोल नहीं है, ये तो तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैंने इजी कर दिया। चेतन ने बेटा रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज होता है, वो चार्ज दोबारा बोल रहा हूँ रिलेटिव चार्ज है जिसके अंदर बस हमने प्लस मान 2 3 देते हैं, और एक्चुअल चार्ज है मैं उसको इससे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। नो बेटा संचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब बोलूंगा तो पढ़ लेना, अभी बस जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो और ये करो थ्योरी अपनी क्लास वाली, नोट कर लिया बेटा इसको, नोट कर लिया, ये तो एक तरीका हो गया, दो तीन तरीके कराऊंगा, तुम्हें जो पसंद है वो करना, लास्ट में मेंटो जिंदगी वाला कराऊंगा, अभी तो आम जिंदगी चल रही है, अभी तो ये तो आम जिंदगी है, ये तो आम जिंदगी का पहला तरीका, ठीक है, ये आम जिंदगी है, आम जिंदगी, अब मैं आम जिंदगी पार्ट टू पर जा रहा हूं, आम जिंदगी पार्ट टू। आप मुझे बताओ, मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अरे मुझे बताओ, अगर मेरे पास 1 मोल फॉस्फेट है उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा? बेटा साइन तो यार माइनस ले लो, साइन कभी नहीं पूछता, तुम्हें साइन लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी साइन के बारे में पूछता ही नहीं है, वो तुमसे वैल्यू पूछता है, लेकिन साइन लगा लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मुझे बताओ 1 मोल फॉस्फेट में कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो चार्ज दे रहे हैं, मतलब कितना चार्ज होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, बोलो बोलो भाई, 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, तो मुझे बताओ 0.1 मोल में कितना होगा? 0.1 मोल में 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, ठीक है, तो मैं यहां पर कूलम लिख देता हूं, ठीक है, कूलम भी लगा रहा हूं साथ में। मुझे बताओ अगर मुझे मोल को कन्वर्ट करना है, अगर मुझे मोल को कन्वर्ट करना है नंबर में, तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, बोलो मल्टीप्लाई बाय, मोल से नंबर निकालना है, एनए, तो कितना बन जाएगा? 0.3 NA इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज, बोलो बोलो। अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, और एनए की भी वैल्यू पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 0.3 × NA × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज, बोलो। इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, मतलब कोई पता नहीं एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब मुझे बताओ क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आ गई है? बोलो क्या ये दोनों चीजें सेम है? ये अलग नजरिया हो गया, और मैं तुम्हें कह नहीं रहा ये नजरिया यूज करना है, एक बार तुम्हें दिखाना था ताकि तुम ये देख के ऐसा लग रहा है अटपटी चीज है, समझ रहे हो? मैं नहीं कह रहा इसको यूज करो, तुम ऊपर वाला यूज करो, मैं तो कहूंगा ऊपर वाला भी यूज ना करो, मैं तो तुम्हें ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दूंगा तुम मुझे आंसर दोगे विद इन 2 सेकंड, जिसको हमें सोल्व करने पे 1 मिनट लग रहा है उसको तुम मुझे 2 सेकंड में आंसर देने वाले हो, बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ,
ये तो मुझे बस दिखाना था, मुंह दिखाई करनी थी, मुंह दिखाई हो गई, अब इनको को भाड़ में जाओ, तू तू तो भाड़ में चला जा, हमें तो करना ही नहीं है ऐसे। इससे आगे तो सोल्व कर लोगे ना, पार्ट टू आम जिंदगी पार्ट टू आ गया ये। इसके आगे तो वही है सेम रोना धोना, लेकिन हम तो भाई रोने धोने वाले नहीं है, हम कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं और हमें भाई टाइम बहुत प्यार है अपना, समझ रहे हो। नोट करो, फिर तुम्हें 2 सेकंड वाला मेंटोस जिंदगी पर लेके चलता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हें मेंटोस जिंदगी पर लेके चलता हूँ, मेंटोस जिंदगी पर चलते हैं अभी, फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़े बेटा। ये और करके लिख लेना इसको, दूसरा तरीका है, आगे तो सेम ही है, बराबर ही पहुंच गए। फिर मेंटोस जिंदगी पर चलते हैं, जिंदगी संवार दूंगा तुम्हारी, इतने शॉर्टकट दूंगा, टेंशन ना लो, जल्दी लिखो इसको। कर लिया सबने, कर लिया। अब चलते हैं अपनी मेंटोस जिंदगी पर। बेटा आम जिंदगी तो वह देख रही थी, हम तो भाई उसमें जीने नहीं वाले, हम अपनी मेंटोस जिंदगी में जिएंगे। तो अपना मेंटोस जिंदगी क्या कहती है मुझे, मेंटोस जिंदगी मुझे कहती है, ध्यान समझना, मेंटोस जिंदगी है तो भाई उसको मेंटोस रंग से लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेंटोस जिंदगी हमें क्या बोलती है, रेड वाला कहाँ गया, रेड वाले से हम लिखेंगे इसको। मुझे बोलती है कभी भी अगर मुझे चार्ज निकालना है, लेकिन ध्यान रखना इससे जो मेरा चार्ज आएगा ना वो फैराडे में आएगा, ये बात ध्यान रखना, आंसर मेरा फैराडे में आएगा इस मेंटोस जिंदगी से, ठीक है। तो मुझे क्या कर देना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन दोबारा हो गया, समझ रहा हो गया, बस कुछ बचा ही नहीं करने को। देखो इस क्वेश्चन में मुझे बताओ इसके कितने मोल्स है, बताना कितने मोल्स है, अरे बोलो, अरे इसके कितने मोल्स है बाबा, अरे बाबा कितने मोल्स है, अरे कितने मोल्स है, 0.1। इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, 3। आंसर कितना आ गया, 0.3 फैराडे। क्या मुझे ये लिखने की जरूरत थी, ये तो मैं ओरली कर देता, ये तो मैं ओरली कर देता, ठीक है, मुझे तो यहाँ लिखना भी नहीं था, पीछे भी यही आंसर आया था। देखो अगर वो साइन के साथ पूछ रहे तो माइनस भी लगा देना, ठीक है, तो पूछता नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछता है। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब है जो उसके ऊपर दिख रहा है तुम्हें, मैग्नीट्यूड का मतलब यार बस साइन हटा दो, क्योंकि वो जनरली साइन के साथ नहीं पूछता। बेटा शॉर्टकट का मतलब क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से आए, अब मैं तुम्हें इसका कैसे आया वो सब बताने लग गया, थ्योरी हो जाएगी वो तो। अब देखो मान लो एग्जामिनर तुमसे तेज, एग्जामिनर देखो सुनो, एग्जामिनर अगर तुम्हें भाई जीरो होता है उस पर, अगर एग्जामिनर तुम्हें कहे भाई मुझे तो कुलम में आंसर दे, एग्जामिनर अगर मुझे कह दे कि यार मुझे तो कुलम में चाहिए, तुम कहोगे लो भाई अभी मैं तुझे कुलम में दे देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो सर, आप टेंशन ना लो, मुझे पता है मेरा 1 फैराडे 96500 कुलम होता है, पता है भाई मुझे, तो मेरे को अगर इसका कुलम में आंसर देना है तो मैं क्या कर दूंगा, 0.3 को 96500 से मल्टीप्लाई, लो सर आंसर आ गया मेरा कुलम में, लो लो सर आपको कुलम में चाहिए कुलम में दे दिया, लो आप टेंशन ना लो बस, क्योंकि वैसे पेपर में जनरली फैराडे ही होता है, कुलम में भी दे दिया अगर तो तुम्हें कितनी देर लगी इसको मल्टीप्लाई करने में, समझ रहे हो बोलो। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तुम मुझे बताना, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर देना है तुम्हें मुझे, ठीक है। 4.8 ग्राम O2 माइनस पे कितना चार्ज है, ठीक है, 5.4 ग्राम या 0.54 ग्राम Al3+ पे कितना चार्ज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात बोलूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1.96 ग्राम SO4 2- पे कितना चार्ज है, ठीक है, फटाफट बताना है, 24 ग्राम Mg2+ पे कितना चार्ज है, इनके आंसर दे दो, चुटकियों में आंसर चाहिए मुझे, चुटकियों में आंसर भाई, चुटकियों में।
इतनी देर में तुम उस लंबे मेथड से करोगे ना, उतने में तुम ये सारे कर दोगे। ये मेरा 1 पॉइंट है, ठीक है, ये 1.96, ये 0.54, ये 4.8 और ये सिंपल 24 है, 24 कुछ पॉइंट नहीं है। मेंटोस जिंदगी अपनी है, अपनी मेंटोस जिंदगी में जीना है हमें, कोई दिक्कत ही नहीं। आंसर सामने है तुम्हारे, कितनी देर लग रही है? मुझे बताओ 4.8 ग्राम में कितने ऑक्सीजन होंगे, मोल बताओ, और मोल मोल बताओ, मोल बताओ 4.8 में। देखो 4.8 में कितने होंगे, निकाल के दिखा देता हूं। 4.8 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा, तो आंसर कितना हो गया 0.3 इनटू 2 कितना आ गया 0.6 फैराडे। ठीक है, साइन अगर पूछा तो माइनस लगा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? बोलो अगले में बताओ, अगले में, ठीक है, अगले में मोल्स निकालने हैं, तो 0.54 डिवाइड बाय 27 मोल्स डाले, ठीक है, मोल्स निकल गए, इनटू 3 कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, कितना बनेगा, ठीक है, इसमें बताओ 1.96 डिवाइड बाय मोल्स निकालने 98 और 4 कितना 2 कितना बनेगा। पॉइंट 0.04 आ गया सबका, बोलो। ठीक है, इसमें बताओ कितना आएगा 24 डिवाइड बाय 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 फैराडे। कितनी देर लगी इनको करने में, क्या था, बिंदास था संचित बेटा भाई, 32 क्यों करूंगा, किसको 32 करवा रहे हो, किसमें 32 भाई, भाई ऑक्सीजन O2 नेगेटिव है, तो O ही लोगे ना, O2 थोड़ी लोगे बेटा, O2 थोड़ी है बेटा, O है, O O है तो O के मोलर मास से करोगे ना, अरे ये O है, O O2 नहीं है, समझ गए, क्लियर है, बढ़िया आगे बोलो, बढ़ा जाए आगे, नोट कर लिया तुमने। आप तुमसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका आंसर देना बेटा मुझे, ठीक है, आसान लग रहा है ना, मेंटोस जिंदगी से जिंदगी आसान हुई थोड़ी, जिंदगी आसान हुई थोड़ी, हो गई ना, अब क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है, अब मैं तुम्हें, मान लो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, मान लो इस हवा में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन की, इस हवा में मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, मान लो क्लोरीन है, सुनो भाई मेरी बात सुनो, क्लोरीन है, मान लो मेरा जो रूम है ना, मेरा रूम क्लोरीन का गोला है, क्लोरीन ही क्लोरीन है इसमें, समझो मेरे रूम में क्लोरीन ही क्लोरीन है, मान लो, एज्यूम करो, फील करो आंखें बंद करके कि भाई हमारे रूम में क्लोरीन ही क्लोरीन है, फील करके देखो आंखें बंद करके, अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ मेरे सामने आराम, मेरे पूरे रूम में क्लोरीन ही क्लोरीन है, तो तुम्हें पता है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कौन से आइसोटोप होते हैं, 2, एक होता है क्लोरीन 37, एक होता है क्लोरीन 35, सबको पता है या नहीं पता, बता दो, पता है नहीं पता, आइसोटोप तो पता ना क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स पता है क्या होता है, सबको पता है ना, स्टार्टिंग में मैंने बात करा किया, तो आइसोटोप क्लोरीन के 2 होते हैं, अब होता क्या है, ध्यान समझना, 75% ये वाला होता है और 25% ये होता है, मतलब नेचर में अगर मैं बात करूं तो 75% ये 25, तो मैंने क्या किया, सारी इधर देखो, मेरी आंखें बंद, मैंने ना चुपके से क्या किया, मुट्ठी भर के क्लोरीन अपने हाथ में ले लिया, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, सारे देखो, मैंने क्या किया, आंखें बंद, मैंने चुपके से, ठीक है, इस मुट्ठी में क्लोरीन पकड़ लिया, तो अब मैंने आंखें खोली, मुझे बताओ इस मुट्ठी में कितने परसेंट चांसेस है कि वो क्लोरीन 35 होगा, बताओ, 75% है, मुझे बताओ कितने परसेंट चांसेस है कि क्लोरीन 37 होगा,
अब मान लो मुझे इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे इसका एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे बताओ क्या पहले मैं क्लोरीन 37 को अलग करूंगा और 35 को अलग करूंगा, क्योंकि मुझे अगर मोल्स निकालने हैं, मुझे बताओ मोलर मास में 37 लूं या 35 लूं, मोलर मास में 37 लूं या 35 अगर मुझे मोल्स निकालने हैं। आंसर है सर अगर मैं ज्यादा के हिसाब से देखूं तो ज्यादा तो ये है, तो मुझे ये लेना चाहिए, लेकिन ये नाराज भी हो जाएगा, कहेगा कि भाई मानता हूं मैं माइनॉरिटी हूं, लेकिन इतनी भी माइनॉरिटी नहीं हूं कि भाई तुम मुझे नेग्लेक्ट कर दो। एक माइनॉरिटी होती है 1000 में 2 लोग होना, और एक माइनॉरिटी है 1000 में 250। मुझे बताओ 1000 में मैं 250 लोगों को नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं? क्या मैं 1000 में 250 लोगों को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अब बात तो भाई दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि भाई अब मैं ये इसका मोलर मास लिया इसको, तो दोनों ने सुझाव दिया, दोनों ने क्या सुझाव दिया भाई, तुम दोनों का एवरेज ले ले। क्या ले ले? एवरेज ले ले। अब अगर तुम्हें एवरेज लेना है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा तो नहीं करोगे ना, एवरेज सीधा ये ले लोगे कि 37 + 35/2। सोचो अगर मैंने ऐसा एवरेज कर दिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने ऐसा एवरेज कर दिया तो कितना बनेगा? 36 बनेगा। बोलो 36 बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अरे यार मुझे बात बताओ, अगर 36 ही बन रहा है, अगर ये 36 ही बन रहा है, मुझे बताओ 36 बनने में इसका फायदा है या इसका फायदा है? बोलो किसका फायदा दिख रहा है तुम्हें? अरे ऑब्वियस सी बात है, ये कहेगा कि भाई मेरी पॉपुलेशन 75% थी, और ये कह रहा मेरी पॉपुलेशन 25% थी, मैंने फिर भी उसको खींच के 36 पे ले आया। समझ रहे हो? मतलब माइनॉरिटी का ही फायदा हुआ है, दोनों में कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो मैं यहां पर ऐसा एवरेज नहीं लेता, मैं एवरेज लेता हूं उनकी फ्रैक्शन के हिसाब से। समझ रहे हो? मैं उनका एवरेज फ्रैक्शन के हिसाब से लूंगा। ये एवरेज हम तब लेते हैं जब दोनों 50-50% होते। समझ रहे हो? ये एवरेज तब पार्शियलिटी ना कर रहा होता अगर ये भी 50% होता, ये भी। समझ रहे हो? तो अब मुझे एवरेज कैसे लेना, ध्यान से समझना, अब मुझे एवरेज कैसे लेना है, बहुत अच्छा तरीका है, मैं अब इन परसेंटेज का भी यूज करूंगा। समझ रहे हो? मैं इन परसेंटेज का भी यूज करूंगा। अब मैं डायरेक्ट ऐसे एवरेज नहीं निकालूंगा, क्योंकि इस एवरेज से नुकसान हो जाएगा इसको, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। समझ रहे हो? तो वो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? वो एवरेज निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। कभी भी अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है या एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है तो मैग्नीट्यूड तो भाई है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? m1a + m2b / a + b, जहां पर m1 क्या है? m1 है मेरा मोलर मास ऑफ ए, m2 क्या है? मोलर मास ऑफ बी, या मोलर मास ऑफ बी बोल दो या आइसोटोप 2 बोल दो, ठीक है आइसोटोप है उसका, वैसे भी उसका भाई तो है। और जहां पर ए क्या है? परसेंटेज एबंडेंस। क्या है वो? परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ए, और बी क्या है? परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी। बोलो सबको बात क्लियर है? इसका डेरिवेशन भी होती है लेकिन मैं करवा नहीं रहा, बेफालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ यूज नहीं है उसका, ठीक है करवा देता हूं मैं, लेकिन मुझे लग रहा है फायदा नहीं होता, ठीक है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा, बिल्कुल यूज ही नहीं है उसका। समझ गए? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला समझ गए? अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। समझ गए बेटा? अगर वो एवरेज मोलर मास बोल देना, सुनो अरे मेरी बात सुनो, अगर एवरेज एटॉमिक मास है, मुझे बताओ चाहे मैं एवरेज एटॉमिक मास बोलूं चाहे एवरेज मोलर मास बोलूं, क्या मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा? क्या मेरे मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा बच्चों, बताओ? नहीं आएगा। फर्क किसमें आएगा? फर्क किसमें आएगा? फर्क किसमें आएगा? सिर्फ यूनिट में। तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर वो एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है तो तुम आंसर एएमयू में दे दो, अगर वो मोलर मास पूछ रहा है एवरेज तो ग्राम में दे दो। बोलो क्लियर है? बाकी कई बार तो यूनिट पूछता भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं वैसे यूनिट तो। बोलो क्लियर है बेटा? अब मुझे इसका आंसर दे दो, इसका आंसर
इसका इस क्वेश्चन का आंसर बना दो मुझे। क्या आंसर आ रहा है बताना। देखो तो अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं, एवरेज एवरेज निकालना चाहूं तो मेरा क्या बनेगा, देखो इसका मोलर मास कितना 37, उसकी परसेंटेज कितनी है 25, ठीक है, इसका मास कितना 35, परसेंटेज कितनी है 75, डिवाइड बाय इसकी परसेंटेज कितनी है 25, इसका कितना है 75, इसको जब मैं सोल्व करूंगा मेरी वैल्यू आ जाएगी 35.5। क्लियर है बेटा, याद करो क्लोरीन का हम यही लेते होते हैं, समझ रहे हो। अब बात है एग्जिस्ट तो कार्बन के भी करते हैं, दोबारा सुनो, एग्जिस्ट तो आइसोटोप्स कार्बन के भी करते हैं, लेकिन कार्बन के केस में हमारा 12 ही लेते हैं, हम सबको पता है ना कार्बन के केस में 12 ही लेते हैं। उसका रीजन कोई बता सकता है, रीजन रीजन कोई बताएगा बेटा, कोई रीजन बताना चाहेगा जिसको बताओ, क्या रीजन हो सकता है बेटा बताओ। बेटा एंड्रेस ना करो अभी तेज बता रखे यार, मुझे तुम्हारी चैट ही नहीं दिख रही, क्योंकि बाकी दो की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो अगर तुम उन फॉर्मुले में भी लगाओगे ना तो उस फॉर्मुले में भी यही लगाना है। मान लो एक और आ जाता है तो यहाँ पर क्या कर दोगे M3BC, समझ रहे हो, मान लो तीन आइसोटोप आ जाए तो तीसरे में यहाँ क्या कर दोगे M3C प्लस यहाँ पर C हो जाएगा, समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। अगर एक और आइसोटोप आ जाता है तो यहाँ पर प्लस सी कर दो और यहाँ पर M3C कर दो, क्लियर है ना। मैं दो वाले करवा रहा हूं क्योंकि जनरली दो वाले पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर परसेंटेज का भी यूज हो गया, देख रहे हो यहाँ परसेंटेज के हिसाब से हमने एवरेज निकाला है, ओके। तो यहां से अगर मुझे एक बात पता चली है, अगर कभी भी एग्जामिनर मुझे बता रहा है कि एटॉमिक मास फ्रैक्शनल है तो इसका पक्का मतलब क्या हो जाता है, इसका पक्का मतलब यही है कि इसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। बेटा अगर एक और आ जाता है, मान लो एक और आ जाता है तो तुम्हें एवरेज कैसे निकालना है, M1A प्लस M2B प्लस M3C डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C, अगर चार आ जाएगा तो ओ रेड हो जाएगा, ये आता नहीं है जनरली, मैंने दो वाले ही करवा दी, समझ रहे, बोलो, नोट कर लिया बेटा सबने, सबने नोट कर लिया। एक बात अब ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें क्लास में बताया था ना एटॉमिक मास और मास नंबर लगभग सेम होते हैं, बताया था क्लास में, बताओ एटॉमिक मास और मास नंबर सेम होते हैं लगभग, सबको बता रखे। अगर एग्जामिनर मुझे बोल दे कि इसका एटॉमिक मास ये है तो मुझे बताओ क्या मैं ये M1 पर मास नंबर पुट करूंगा, बोलो, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे पास कार्बन 12 है जिसका एटॉमिक मास है ऐसे दिया होता है 11.9998 ऐसे कुछ ऐसे गिवन होता है, अब मुझे बताओ एक्चुअली में एटॉमिक मास 12 है या ये है, ये वाला है ना, इसका मतलब अगर वो ये ही दे दे कि इसका एटॉमिक मास ये है फिर मैं 12 यूज नहीं करता, फिर मैं यही यूज करता हूँ, तो मैं एक DPP दूंगा उसमें यही होगा, उसमें ना एग्जैक्ट उनकी वैल्यूज गिवन होगी, तो मुझे M1 M2 की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है, 12 नहीं करूंगा, समझ रहे हो सारे बच्चे, बाकी ये पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुम हाथ से नहीं कर सकते, बस समझा रहा हूं। अगर एग्जामिनर तुम्हें बोल दे इसका एटॉमिक मास ये है तो तुम्हें यही लेना है, अगर वो बोले ही ना कि इसका एटॉमिक मास कुछ भी दे ही ना तो तुम्हें 12 ही लेना, समझ रहे हो, ओके सारे बच्चों को समझ है आ गई, बताओ सबको क्लियर है, बताओ अगर क्लियर है तो एक आधा क्वेश्चन करा देता हूं उसका आंसर दे दो मुझे।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका उसको सोल्व करके बताओ मुझे। मेरे पास सिलिकॉन है, उसके तीन आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? 20 सिलिकॉन, 28 सिलिकॉन, 29 और सिलिकॉन 30। इनकी परसेंटेज है 92.23, इसकी है 4.77 और इसकी है 3%। मुझे एवरेज बताओ। इसको सॉल्व कर दो भाई फटाफट। जल्दी सॉल्व कर देना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। गलत आदित्य बेटा, गलत। हाँ बेटा 29 है, 29। जल्दी बताओ बेटा। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है इसकी, लेकिन डरना नहीं है, कोशिश करो बिना कैलकुलेटर के करो। बहुत बढ़िया चैतन्य, यू आर राइट। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आती, लेकिन टेस्ट में आ सकती है, तो अपने आप को तैयार रखना। अर्पिता गलत है, लावण्या थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा सही रखो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम बिना कैलकुलेटर के जो कर रहे हो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चला लूंगा। जिन्होंने अपने हाथ से किया कैलकुलेट, वो एक बार अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ताकि उनको एग्जैक्ट आंसर भी पता चल जाए। हाथ से के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको मैं परमिशन दे रहा हूं अभी के लिए, जो कैलकुलेटर से आंसर निकाल के एक बार देख ले क्या सही आया उनका। देखो करना क्या है, सिंपल है, एवरेज निकालना है मुझे। क्या निकालना है? एवरेज, ठीक है। अगर मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना। देखो एवरेज अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना है, 92.23 इंटू 28 प्लस 4.77 इंटू 29 प्लस 3 इंटू 30 डिवाइड बाय टोटल करना है, तो टोटल तो 100 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम परसेंटेज तो 100 ही होती है, ठीक है। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 28.1 AM। समझ रहे हो? बोलो बोलो, ठीक है, इजी है ना, इजी है ना, बता दो। एक क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिया होगा तुमने इसको, तो इसका एप्लीकेशन ही होगा जो मैंने एग्जांपल लिखा था, ठीक है। मुझे एक एजी है जो दो आइसोटोप्स में रहता है, किसमें? दो में, एक है एजी 107 और एक एजी 109, ठीक है। अब मैंने क्या दे दिया तुम्हें, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया मैंने तुम्हें 108.5। तुम्हें क्या बताना है, फाइंड परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। इसका आंसर दे रहा हूं,
बहुत बढ़िया मोहित, बहुत बढ़िया। अब खुद बताओ, अब मैंने क्या किया, अब मैंने तुम्हें परसेंटेज नहीं दी, एवरेज दे दिया। अब मुझे बताओ अगर तुम्हें इसको सोल्व करना है तो तुम कैसे करोगे, इसको क्या करूंगा मुझे बताओ। अगर दो लोग हैं टोटल परसेंटेज कितनी हो सकती है बताओ, टोटल परसेंटेज कितनी हो सकती है जल्दी बोलो, टोटल 100। अगर टोटल 100 है तो मुझे बताओ अगर मैं एक को एक्स दे दूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक अगर एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये। मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा मेरे पास टोटल 100% होते हैं, तो मैंने 100 में से क्या बोल दिया, x मेरा हो गया, ठीक है, x मेरा कौन हो गया, ag 107, और 100 माइनस x कौन हो जाएगा, ag 109। बस हो गया क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, ये गिवन है 108.5 इज इक्वल टू 107 इसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय x प्लस 109 इसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x डिवाइड बाय टोटल कितना होगा, x प्लस 100 माइनस x, तो x से x तो गया, तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो क्या आएगी, क्या आएगी x की वैल्यू, इसका मतलब ये कितना हो गया 25%, तो ये कितना हो जाएगा, फंडा क्लियर है सबको, ये क्लियर है फंडा, आसान है, बोलो सारे बच्चे। एक इंटरेस्टिंग खेला देता हूं बेटा, अगर एक को एक्स मानोगे दूसरे को वाई मानोगे तो एक ही इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो मैंने क्या किया, मुझे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला होता है m1a plus m2b divided by a plus b, ठीक है, एवरेज मुझे गिवन है कितना है 108.5, m1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 107, a मैंने मान लिया x, ठीक है, प्लस m2 कितना है 109, b मैंने मान लिया 100 माइनस x क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है ना, डिवाइड बाय टोटल ए भी कर दो, एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्लियर है कोमल बताओ, अब फंडा क्लियर है सारे बच्चों को, सारे बच्चों को फंडा क्लियर है, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज सुनो, पेपर में ना एग्जामिनर तुम्हारा कॉमन सेंस यूज भी करवाता है कई बार, क्या यूज कराता है, कॉमन सेंस, ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें मुझे विद इन 5 सेकंड आंसर देना था, लेकिन मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मान लो मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता 25 75%, एक दे देता 50 50%, एक दे देता 75, ठीक है 25%, ठीक है, और एक मैं दे देता 29, या ऐसे मतलब तीन ऑप्शन दे दो मान लो। अब अगर तुम्हें कॉमन सेंस यूज करनी है, एग्जाम में तुम्हें सोल्व नहीं करवाना चाहिए, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, तुम्हें बिना सोल्व करे भी आंसर दे सकते हो। सोचो मुझे एक बात बताओ, मेरा एवरेज है 108.5 और मैं दो लोग हैं 107 वाला और 109 वाला, मुझे बताओ 108.5 किसके पास है, 108.5 ज्यादा इसके पास है उसके पास, 109 के पास, मतलब ज्यादा इसका पक्का मतलब क्या 109 होगा, समझ रहे हो, अगर ये ज्यादा इसके साथ दे रहा है इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज अबंडेंस इसकी होनी चाहिए, मुझे बताओ, तो 50-50 तो चला गया, क्योंकि 50-50 अगर होता तो मेरा एवरेज कितना आना चाहिए, 108 आना चाहिए, समझ रहे हो, 50-50 में तो 108 बनता था। मुझे बताओ 75 अगर 25 होगा क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर 75 ये हो जाता तो पलड़ा इसका भारी होता, लेकिन हमें दिख रहा है पलड़ा तो इसका भारी है, तो बचा कौन, समझ गए, बोलो बिना सोल्व किए कर सकते हैं हम इसको,
लेकिन अगर एग्जामिनर एक और ऑप्शन दे दे, मान लो उसने दे दिया 20 और 80, फिर तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, फिर रिस्क मत लेना, समझ रहे हो। अब यहां पर दो लोग ऐसे आ गए जिसके अंदर पहले वाली छोटी वैल्यू है, दूसरे वाली बड़ी, समझ रहे हो, फिर पूरा सोल्व करना, क्लियर है, बताओ। लेकिन अगर उसने मुझे चौथा ऑप्शन दे दिया ये, तो मेरे दिमाग में फिर आ जाएगा कि भाई ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, 80 और 20 तो हो नहीं सकता, तो फिर मैं आंखें बंद करके ये कर सकता हूं। समझ गए सारे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्लियर है सबको। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज कुछ और क्वेश्चंस बोलूंगा, भेजूंगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस पर बेस्ड, तो उनको करना है वो तुम्हें, ठीक है।